नमस्कार साथियों, क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे आप लोग का हाल। और अभी सुबह सुबह उठ के मैंने अपने तांबे की बोतल से पिया पानी, है ना। फिर हम गए जिम करने, फिर हमने खाए ड्राई फ्रूट्स, फिर हमारे सपाटे ऐसा नहीं हुआ। तो पानी पीने के बाद खाली पेट ही ड्राई फ्रूट्स खा ली जाएंगे और खाली पेट ही हम खाएंगे सेब। दोस्तों, अभी ये ड्राई फ्रूट्स और सेब खाने के बाद हम जा रहे हैं नाश्ता लेने और देखते हैं आज क्या है नाश्ते में। शायद हम लोग खाएंगे आज इडली सांभर। एक सामने दुकान है, घर के सामने, मतलब सामने अभी यहाँ नहीं, घर के सामने दुकान है, वहाँ का इडली सांभर काफ़ी अच्छा मिलता है। तो बहुत दिनों से बंद थी दुकान, MCD वाले आते रहते हैं तो लोग हटा लेते हैं दुकान, तो मिल नहीं रहा था, लेकिन आज जाते हैं। और अगर खुली हुई आज तो, कल मैंने देखा था खुल गई थी, तो वहीं से लेके आते हैं इडली सांभर। ओके, तो इडली सांभर ले लिया है और अब चलते हैं। 50 का था, क्या था पैकिंग, साथ 55 का है, लेकिन भाई मैंने कहा पुराने ग्राहक हैं, 50 का लगाओ, पैकिंग का क्या 5 रुपये लेना है, और वो भी 50 वाले आइटम में क्या 5 रुपये, 50 का दिया। तो नाश्ता करने के बाद, ड्राई फ्रूट सेब और इडली सांभर खाने के बाद, अब वक्त हो गया है शेक पीने का। तो चलिए शेक बना लेते हैं। यहाँ पे मैं केले ख़त्म हो गए तो केले लेके आ गया हूँ। ये हमारा जग है और इसी में शेक बनाते हैं। चलिए, ये हम डाल रहे हैं पीनट बटर, तो दोस्तों नमक हो गया खत्म, तो नमक लेने आए हैं सीधा नमक। चलिए ले लेते हैं। अभी जी ने देखा, अब पता चला वो खाना बनाने के लिए बैठी हुई है। सेंधा नमक कहाँ पे? तो दोस्तों अभी समय हो गया खाना खाने का। बहुत देर से स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया। स्क्रिप्ट में अभी भी काफ़ी चेंजेस हैं जो करवाने हैं। ये दूसरा ड्राफ्ट है स्क्रिप्ट का, तीसरा ड्राफ्ट इसके बाद आएगा जो फाइनल होगा। तो कई जगह क्या है इसकी स्क्रिप्ट में देखना पड़ता है ना, कि मतलब क्या हर चीज़ जस्टिफाई हो रही है कि नहीं, बिकॉज हम कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। हर चीज़ का एक लॉजिक होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए, वो नहीं होता है तो ऑब्वियसली इवन एज एन एक्टर आप सेटिस्फाइड नहीं होते कि मैं इस डायलॉग को कैसे बोल रहा हूँ, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है, ये कैसे यहाँ हो गया, ये यहाँ कैसे हो गया। तो इसलिए हमें पहले से ही सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उस थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए खाना खा लेते हैं। आज छोले चावल रोटी पूरा खाना बनवाया है दीदी से, और ट्राई करके देखते हैं कि दीदी कैसे छोले बनाती हैं। चलिए खाते हैं। तो नॉर्मली तो मैं खाना हाथ से खा, मतलब ये जो चावल हैं खाना तो सब हाथ से ही खाते हैं, लेकिन बस जो चावल हैं और ये सब्जी चावल, ये मतलब दाल चावल जो भी, तो हाथ से खाने का अपना अलग ही आनंद है। आप लोग कैसे खाते हैं? हाथ से, चम्मच से, घुटने से, पैर से, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जा रहा हूँ मैं स्क्रिप्ट राइटर से बात करने, क्योंकि बहुत सारे करेक्शंस स्क्रिप्ट में जो करवाने हैं, तो वो स्क्रिप्ट में करेक्शंस करवाने ज़रूरी हैं, बिकॉज दो ड्राफ्ट ऑलरेडी हम स्क्रिप्ट के हमारे पास आ चुके हैं और तीसरा ड्राफ्ट आएगा। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका, वही मैं बता रहा हूँ ना, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्यों है ये, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है वो चीज़। जब तक हम स्क्रिप्ट को ऐसा नहीं बनाएंगे कि वो इस तरीके से हो कि हाँ सारी चीज़ें क्लियर एंड कट हों, क्लियर कट हों, सारी चीज़ों का जस्टिफिकेशन हो, लॉजिक हो, जब तक ऐसा नहीं होगा तो भाई जो इंसान जब एक्टिंग करेगा तो उसको फिर कैसे समझ में आएगा क्या हो रहा है ना, वो तो क्वेश्चन मार्क उसके सर पर रहेगा वैसे भी। तो चलिए बात कर लेते हैं, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं, उनको सारे चेंजेस बता देते हैं, जिससे कि एक आध दिन में वो सारे चेंजेस करके हमको फाइनल ड्राफ्ट भेज दें।
वो अभी खाना खाने जा रहे हैं, और दोपहर में जो छोले बने थे वो बने थे वो बच गए हैं, दोपहर के छोले। तो चूँकि वो बच गए हैं तो थोड़े से बचे थे, वो थोड़ी दाल बनवा ली थी और एक सूखी सब्ज़ी बनवाई है आलू की। आज देखते हैं वो कैसी होती है। ये जो पुलोवर मैं पहन रहा हूँ ये मैंने कब लिया था, आप लोग गेस कर सकते हैं? ये मैंने लिया था भाई साहब 2012 में, यानी ये 11 साल पहले। इतने साल मैं चलाता हूँ, ठीक है। तो मेरी सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत लंबी चलती हैं भाई, चलाना पड़ता है, ऐसा थोड़ा ना जल्दी जल्दी खरीद लो, बट चलती हैं आराम से, केयर के साथ। चलिए खाना खाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि गौतम गंभीर के ऊपर एक रील बनाई जाए, बिकॉज गौतम गंभीर को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, तो उनकी बातें जो है थोड़ा हटके होती हैं, काफ़ी हद तक सही भी होती हैं, तो मैं सोचा तो बनाएं। और आपके दिमाग में अगर कोई कंटेंट वगैरह रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर रील बनाऊंगा। अभी राइटर से बात हो गई मेरी, कुछ चेंजेस थे वो हम लोगों ने डिस्कस करे, और अभी भी काफ़ी चेंजेस रह गए हैं, मतलब अभी एक तिहाई स्क्रिप्ट तक हम पहुँचे हैं, 7 पेजेस हमने करे हैं चेंजेस जो भी हैं डिस्कस किए हैं, और अभी और बाकी मतलब 14 पेजेस बाकी हैं। बाकी मैं आपको बताऊँ, एक खुशखबरी है मेरे लिए, मतलब वो ये कि आज में मेरे सब्सक्राइबर, जो मैं रोज़ हर वीडियो में बोलता रहता हूँ आप लोग सपोर्ट करिए, तो आज में आप सोच सकते हैं कितने सब्सक्राइबर बढ़े, मतलब ऐसे तो कभी 2-4 दिन में एक बढ़ता है, और अभी आज मेरे बढ़े एक दिन में 31 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। आज 290 सब्सक्राइबर थे मेरे सुबह, शायद मे बी और उससे कम हो पता नहीं, मतलब 290 मैंने देखा था, जो 331 हो गए हैं, सॉरी 321 हो चुके हैं अभी आज में, तो बढ़िया, क्योंकि मैं आज शॉर्ट्स अपलोड करे तो उससे भी बढ़ते हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट, इस टाइप वाला सपोर्ट में बात करता हूँ, आप पता नहीं कितने लोग उनमें आप में से हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली शेयर कर रहे हैं वीडियो को कि नहीं, बट करिए, है ना। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, मतलब मैं काम करने जाइएगा फिर वापस आइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। कल फिर लेके आएंगे एक नया व्लॉग, और डेली व्लॉग करने की परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय श्री राम।